हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सिंगल चाइल्ड के पेरेंट्स किस तरह से लकी हैं। आज हम जानेंगे कि हम बच्चे को किस तरह से बताएं ताकि वो अपना लक पहचान सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर पेरेंट्स खुद इस बात से उतना परेशान नहीं होते जितना बच्चों के कहने पर सोचने पड़ जाते हैं। तो हमें बच्चों के प्रश्नों का ही जवाब सही तरह से देना है। बच्चों को कुछ भी बताते टाइम पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जब भी बच्चा पूछे कि मम्मा सबके भाई या बहन है, मेरे क्यों नहीं है, तो आप उसे प्यार से आराम से गोद में बिठाइए और फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ बताइए कि क्योंकि आप स्पेशल हो, स्पेशल एक ही होता है। फिर जो भी उसकी विशेषताएँ हैं वो उसे याद दिलाइए, बताइए। हर बच्चे में ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो बाकी बच्चों से अलग होती है। अब ये मत कहना कि आपको अपने बच्चे की क्वालिटीज़ नहीं पता। हमें अपने बच्चे की सारी क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए, छोटी से छोटी भी, ताकि हम उसे और एनहेंस कर सकें। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसे उस दिशा में आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसे अप्रिशिएट कैसे करेंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे। अगर आपको अभी अपने बच्चे की क्वालिटीज़ याद नहीं आ रही है या सारी क्वालिटीज़ याद नहीं रह पाती है, तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर से डायरी पेन से दोस्ती कर लीजिए। अगर आप अपनी पेरेंटिंग स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो सिंगल चाइल्ड हो या ज़्यादा, बच्चे के किसी भी प्रश्न का आंसर इस तरह से दीजिए ताकि उसमें अपने लिए फील गुड फैक्टर क्रिएट हो। सारी बातें इसी से इंटरकनेक्टेड होती है। बच्चा जब भी कहे कि काश मेरे भाई होता, बहन होती, तो पूरे उमंग के साथ खुशी से उसे समझाएं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हो। देखो आपने उस दिन कितना अच्छा किया था या उस टाइम आपने कितनी अच्छी बात कही थी, अगर आपको ज़रूरत होती तो भगवान जी देते ना। और उनको भी पता है कि ये स्पेशल बच्चा है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये अकेला ही काफ़ी है पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए। अगर आपने बच्चों को भगवान जी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए कि बच्चों को भगवान के बारे में कैसे बताएं। काफ़ी डिटेल वीडियो है, उसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो आप बता सकते हैं कि गॉड ने आपको ये दिया है, गॉड ने आपको वो दिया है, वही आपका ध्यान रखते हैं। भगवान जी नहीं चाहते थे कि आपका प्यार बटे। मम्मा और पापा का सारा प्यार किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नेक्स्ट हम बच्चों को बता सकते हैं कि आपको हमेशा लाइफ में वो मिलता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। बच्चों को थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताते रहें, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार होता है। इससे उन्हें पता चलेगा कि हर किसी को अपने हिसाब से बेस्ट जीवन मिला हुआ है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे और कितना बेहतर बनाते हैं। जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस है उसमें हमें अपने आप को निखारते जाना होता है, या बच्चों की भाषा में कहें तो हमें खुद को पावरफुल बनाते जाना होता है। प्लस उसे समझाएं कि आपका भाई होता, बहन होती, तो भी आपकी जर्नी आपकी खुद की ही होती। वो तो हमें लगता है कि भाई होता तो ऐसा होता, बहन होती तो वैसा होता, ऐसा हमें सिर्फ लगता है। एक और बात आप बच्चों को बता सकते हैं कि अगर आपका भाई होता तो आपको लगता काश मेरी बहन भी होती, बहन होती तो आपको लगता काश मेरा एक भाई भी होता। हर इंसान इसी सोच में उलझा हुआ है, जो है उसको देखने के बजाय, जो नहीं है उसके लिए कि काश ऐसा होता तो मैं ये करता। और ऐसा सोच सोच कर हम अपनी पावर को कम करते रहते हैं। फिर बच्चे से कहिए कि अच्छा है, आप स्पेशल हो और आप थोड़ा सा समझाने पे ही समझ जाते हो। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आई कैन से कि बच्चों को कुछ भी बताने से पहले हम खुद उस बात के लिए फुल्ली कन्विंस्ड हों। ऐसा ना हो कि हम खुद ही कन्फ्यूज़न में हैं, हम खुद ही क्लियर नहीं हैं, तो फिर बच्चों को कितना भी समझाएं इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि हमारे वर्ड्स हमारी एनर्जी के साथ सामने वाले तक पहुंचते हैं। हमारे वर्ड्स कुछ भी हो, फाइनली हम बच्चों को वही ट्रांसफ़र करेंगे जो हमारे अंदर है, डीप इनसाइड। तो पहले खुद स्टडी करें, क्लियर रहें कि हर एक को सब कुछ बेस्ट ही मिला हुआ है। उसमें हम अपने आप को ऊपर उठाते रहें, ना कि ऐसा वैसा सोचकर गिरावट की ओर जाते रहें। तो इस पूरे वीडियो की समरी है S इज इक्वल टू S, सिंगल चाइल्ड इज इक्वल टू स्पेशल चाइल्ड। ये फॉर्मूला याद रखें और अपने बच्चे की विशेषताओं को पहचानें और उन्हें हाईलाइट करें। और जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात चले या बच्चा कोई प्रश्न पूछे तो उसे अलग अलग तरीके से बताते रहें। कभी फन वे में बताएं कि आप तो एक ही सो के बराबर हो, किसी और की ज़रूरत ही कहाँ है। फिर भी अगर बच्चा कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका जवाब आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो हमें बताइएगा, हम कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो को हर पेरेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।